Okay, so we'll share the screen first. We'll first talk about the anomalous behavior. Plus, this is again very important question. The textbook में बहुत short लिखा है, बहुत ज़्यादा short में किया इसको, and there are many things to be discussed about anomalous behavior. So if you see elements of group 15 syllabus में, ये सबको मालूम है बरा ना, board के syllabus में 15, 16, 17 एंड 18. 18 के हम लोग बात नहीं करेंगे. मतलब 15 में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन, राइट. 16 में ऑक्सीजन एंड 17 में फ्लोरीन. पॉसिबल मेरे साथ आप लिख लो ये सब चीजें जो बोल रहा हूं मैं. तो एनोमलस बिहेवियर, क्लास व्हाट इज एनोमलस बिहेवियर मींस, तो क्लास इफ यू सी नाइट्रोजन ऑफ ग्रुप 15, क्लास डू यू एग्री दैट उसका साइज सबसे छोटा है ग्रुप 15 में? यस यस यस. ओके, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है पूरे ग्रुप 15 में? सर फ्लोरीन का है ना, ग्रुप 15 की बात करो, 15 में, 15 में सिर्फ 15 की बात करो, ओनली इन ग्रुप. यस हां, अब डाउन द ग्रुप देखो, ग्रुप 15 में, ठीक है, इन ग्रुप 15, ठीक है, नेगेटिव मैक्सिमम है. ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट है, नाइट्रोजन की. ओके एंड क्लास बाकी सब देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एब्सेंस ऑफ, कोई बता सकता है क्या एब्सेंट एब्सेंट है? डी सब ऑर्बिटल, राइट, इन वैलेंस शेल. तो इफ आई राइट नाइट्रोजन कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3, क्लास 2d होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता क्लास. उसके नीचे जो फास्फोरस उसके पास d है, सबके पास है, नाइट्रोजन के पास नहीं, अकेले के पास, राइट. तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स नाइट्रोजन शो सम प्रॉपर्टीज. प्लस एक ग्रुप के एलिमेंट का प्रॉपर्टी नियरली हमेशा क्या होता है? सिमिलर होता है, राइट, बरा ना. नाइट्रोजन शो सम प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट देन अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15. नाइट्रोजन का प्रॉपर्टी बाकी एलिमेंट से थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द एनोमलस नेचर ऑफ नाइट्रोजन. एनी डाउट एनोमलस नेचर क्या होता है? मतलब नाइट्रोजन शो सम प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट देन अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15. एनोमलस नेचर ऑफ नाइट्रोजन. क्लास जोड़ो JEE के लिए प्रिपेयर कर, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग मेरे साथ, या तो लिख लेंगे या तो एनसीईआरटी का बुक प्रिफर करेंगे, राइट. तो क्लास सबसे पहला प्रॉपर्टी नाइट्रोजन का डिफरेंट है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर. नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन इज एट रूम टेम्परेचर, नाइट्रोजन इज गैस, बरा ना. यस, व्हाट आर अदर, ऑल अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड्स, राइट, सॉलिड. Other elements of group 15 are solid. Other elements of group 15 are solid. Pahla point, okay. Plus dusra. Plus, what is formula of nitrogen? Nitrogen exists as
N2 हाँ हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक कैसे डायटोमिक राइट नाइट्रोजन एज N2 बराबर है while other elements exist as tetraatomic while most of the other elements of group 15 exist as tetraatomic love example have read phosphorus phosphorus is written as P4 होता है mostly phosphorus से हमारा P4 लिखते हैं हम लोग देखो कोई भी reaction में P4 लिखते हैं mostly तो phosphorus exists as tetraatomic okay समझे आपको ये yes plus तीसरा तो मतलब hydrogen bonding कौन से element में होता है बताओ hydrogen bonding इसके पास OH NH and HF bond रहते हैं कौन सा bond OH NH HF हाँ तो नाइट्रोजन NH बॉन्ड बना सकता है ना यस नाइट्रोजन के कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं राइट यस बाकी एलिमेंट ग्रुप 15 के हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखा सकते दिखाते तो बिकॉज़ ऑफ NH बॉन्ड नाइट्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हाइल अदर एलिमेंट्स कैन नॉट फॉर्म प्लस नाइट्रोजन क्यों दिखा सकता है बिकॉज़ स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राइट तो ड्यू टू smaller size class a very important property yeah? the smaller size and high electronegativity right nitrogen is the only element it is only which can form hydrogen bonding in its hydride cloud is hydride hydrogen ke sath hydrogen matlab example ammonia right compound of element and hydrogen called hydride ye bhi hum log dekhenge aaj hi hydride is very very important topic so nitrogen uske hydride mein agar nitrogen hydrogen ke sath koi compound banata to us compound mein kya dikhata hai wo hydrogen bonding right bonding other elements can't show hydrogen bonding right in their hydrides bara na other elements of group 15 theek hai can't show hydrogen bonding in their hydrides yeah, any doubt here yes or no class aapko meri awaaz aa rahi hai yes sir yes sir aaj kya hua sab logo ko neend aa rahi hai nahi na the next thing class ek important property hai plus nitrogen mujhe bata pi bond प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है पाई बॉन्ड कैसे बनता है लेटरल ओवरलैप से किसका कौन सा ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल प्लस ये आपने इतना ही सीखा है स्कूल मतलब अपने कॉलेज में 11 में तो प्लस एक पी ऑर्बिटल जब ये पी ऑर्बिटल के साथ कैसे ओवरलैप करता है लेटरल पाई बॉन्ड राइट यस हां तो प्लस तो एक एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल का जो लैटरली ओवरलैप करता है तो पाई बॉन्ड बनता है तो जो ओवरलैपिंग होता है उसको बोलते हैं पी पाई ओवरलैपिंग क्या बोलते हैं लोग पी पाई ओवरलैपिंग एक का पी ऑर्बिटल दूसरे के पी के साथ ओवरलैप करके क्या बना रहा है पाई बॉन्ड बना रहा है बता रहे तो क्लास कुछ आइटम्स में पी ऑर्बिटल डी के साथ और लैटरल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनता है ऐसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा बाद में एक आइटम का पी ऑर्बिटल दूसरे आइटम के डी के साथ कैसे ओवरलैप करता है लैटरल तो क्लास उस पाई बॉन्ड का नाम क्या होगा पी पाई डी पाई
पाई डी पाई इम्पोर्टेंट राइट पी पाई डी पाई ये वर्ड आपके बुक में आपको दिखेगा शायद नहीं भी दिखेगा आपके बुक में ठीक है बहुत चीजें उन्होंने मिस की है तो बस समझा पी पाई क्या होता है पाई बॉन्ड बनेगा पी का पी के साथ ओवरलैप होके और डी पाई क्या होता है पाई बॉन्ड बनेगा एक के पी का दूसरे के पी ऑर्बिटल को ओवरलैप करके ओवरलैप होके राइट ना जो पाई बॉन्ड बनता है प्लस एक बॉन्ड सिग्मा है एक बॉन्ड पाई है राइट right? तो पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया तो जो मैं येलो सीख रहा हूँ वो पाई है तो क्लास यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे अभी दिखाओ चलो देखते हैं थोड़ा डिटेलिंग करते हैं क्योंकि आपको ना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसके लिए JEE प्लस सल्फर एटॉमिक नंबर कितना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 राइट यस तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन p में चार बार आ और क्लास डी में जीरो जीरो क्लास ये उसका ग्राउंड सेट हो गया क्लास एक्साइल सेट में क्या होगा थ्री एस वन बना ना थ्री पी सॉरी थ्री एस टू थ्री पी 3 and 4d 1 बराबर एक्साइटेड सेट में एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे चला जाएगा बराबर यस 3d 1 में हां 3d 1 3s 3p 3d सॉरी 3d 1 या तो सबको समझा यस यस तो s2 क्लास देखो p पाई d पाई बहुत डिटेलिंग में समझो ये बिकॉज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है हम लोग को उसको बहुत ध्यान देने के कर रहे हैं 3p 3 स्टेट बोर्ड ने ठान क्यों रखा है कि JEE का इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप करेंगे 3D 1 बराबर है क्लास ये कितने ऑर्बिट आपके पास हो गए हाफ फील्ड चार हो गए तो क्लास अभी देखो कैसे है अभी ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन का कौन सा है 1s2 2s2 2p4 2p4 राइट तो जब SO2 बनेगा तो क्लास हम क्या हमारे कितने ऑक्सीजन है सल्फर SO2 में दो ऑक्सीजन है ना दो है ना SO2 में दो ऑक्सीजन है एक ये और एक ये बराबर तो मतलब मैं और एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिखता हूँ सेम ना एग्जैक्टली सेम दूसरा ऑक्सीजन बराबर हाँ प्लस अभी देखो केयरफुली ये ऑर्बिटल ऑक्सीजन का यहाँ पे ओवरलैप करेगा क्लास कैसे ओवरलैप करेगा लैटरल लैटरल क्या बनेगा नहीं पहले पहले ये करेगा कैसे कोएक्सियल करेगा ये इसके साथ ओवरलैप करेगा किस कैसे कोएक्सियल क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड राइट सिग्मा बॉन्ड बन गया सिग्मा बॉन्ड क्लब बाद में ये वाला ओवरलैप करेगा इसके साथ क्या बनेगा बोलो सिग्मा बॉन्ड प्लस बाद में ये वाला ओवरलैप करेगा इसके साथ क्या बनेगा पाई बॉन्ड क्या बनेगा पाई बॉन्ड प्लस इसका नाम क्या दो पी पाई या पी पाई डी पाई पी पाई बताओ मैं बताता क्यों यस यस
ये देखो ये क्या है, ये वाला पैटर्न, थ्री पी एक्स थ्री पी वाई एंड थ्री पी जेड, और ये डी ऑर्बिटल राइट। प्लस मुझे होता है ये टू पी एक्स टू पी वाई एंड टू पी जेड, मुझे होता है ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, और ये भी कौन सा ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल। किसका ओवरलैप किसका हुआ, पी का, पी के साथ, के साथ, इसका नाम क्या देंगे हम लोग, पी पाई पी पाई पी पाई या फिर पी ऑर्बिटल। प्लस अभी जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बनेगा आपको दिखा रहेगा, प्लस ये ऑक्सीजन का, सॉरी ये ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल है, पी पी, और ये सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल है, डी डी, का ओवरलैप होगा बराबर ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑक्सीजन सल्फर के पी के साथ, सल्फर का से एक पी बचा था, सो एक ऑक्सीजन का पी सल्फर के पी के साथ लैटरली ओवरलैप हुआ, पी पाए पी पाए। पर अभी ऑक्सीजन के पास सी है, टू पी एक्स टू पी वाई एंड टू पी जेड, ऑक्सीजन के पास पी, पर सल्फर के पास कौन सा ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल। ऑक्सीजन का पी सल्फर के किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, डी के साथ, डी के साथ, तो ओवरलैप हो रहा है, इसका नाम क्या है, दोनों क्लियर हो गया आपको, यस श्योर, यस ओके। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो क्लास अगर आपको पीपाई ओवरलैप चाहिए तो आइटम का साइज क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए राइट। बड़े आइटम पीपाई ओवरलैप प्रेफर नहीं करते, बड़े आइटम कौन सा ओवरलैप प्रेफर करते हैं, पीपाई डीपाई, जैसे सल्फर देखा आपने बोले, तो बिगर आइटम ऑलवेज प्रेफर पीपाई डीपाई ओवरलैप एंड स्मॉलर आइटम प्रेफर्स पीपाई पीपाई। तो क्लास ऐसा कौन सा आइटम है पूरे ग्रुप 15 में जो पीपाई पीपाई के लिए प्रेफर करेगा, पीपाई पीपाई नाइट्रोजन। और बड़े आइटम को अगर बॉन्ड बनाए तो कैसे बनाएंगे, वो पीपाई पीपाई डीपाई डीपाई, समझाइए। सो नाइट्रोजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म प्लस, कोई बोलेगा नाइट्रोजन टेंडेंसी टू फॉर्म पीपाई 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 बराबर ना, मल्टीपल बॉन्ड्स। क्लास ये एमसीक्यू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपाई पीपाई मल्टीपल बॉन्ड्स। अदर एलिमेंट्स या फिर मैं यहां लिखता हूं अदर एलिमेंट्स, प्लस मैं यहाँ पे जो क्लास में जो अभी प्रेजेंट है उनको इतना बोलना चाहता हूँ, अगर ठीक से सुनोगे भी ना तो आपका 80% काम हो जाएगा, ठीक से सिर्फ सुनोगे, क्योंकि ना इसके क्वेश्चन ऐसे ना एमसीक्यू या थ्योरी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, आपको मालूम है या नहीं मालूम है इतना ही चीज होता है राइट। यस ऑफ ग्रुप 15 नॉट फॉर्म पीपाई पीपाई मल्टीपल बॉन्ड राइट। इंस्टेड बोलो इट फेवर्स पीपाई डीपाई पीपाई डीपाई प्रेफर टू फॉर्म, दे फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग थ्रू पी पाई डी पाई, याद तक ठीक है सब लोग को, यस। प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुका है जेडब्ल्यू में, तो नाइट्रोजन के ट्राइहैलाइड्स क्या होता है, अनस्टेबल। बी ट्राइहैलाइड का एग्जांपल मतलब कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन हैलोजन राइट, तो एक्सेप्ट एक ही हैलाइड स्टेबल है नाइट्रोजन का, कौन सा, ये ट्राइहैलाइड। प्लस ये कौन सा है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड बराबर ना, यस। तो एक्सेप्ट NF3 ऑल अदर ट्राइहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर व्हाट, अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, एक्सेप्ट NF3 ऑल ट्राइहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन
आर क्या अनस्टेबल प्लस फॉर एग्जांपल NCl3 स्टेबल और अनस्टेबल 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 प्लस PCl3 स्टेबल प्लस बाकी सब एलिमेंट का हैलाइड स्टेबल होता है कोई भी हैलाइड लो सिर्फ नाइट्रोजन का अनस्टेबल होता है राइट एक्सेप्ट NF3 आर यू गेटिंग मी क्या बोल रहा हूं यस याद रखो ये क्वेश्चन एमसीक्यू का ये NCl3 होता ना इट इज एक्सप्लोसिव हाईली अनस्टेबल राइट तो ये याद रखो NCl3 एक्सप्लोसिव होता है अगर NCl3 अपना ओपन एटम में रखते तो ब्लास्ट हो जाता है राइट इट इज हाईली अनस्टेबल तो एक्सेप्ट NF3 ऑल ट्राइहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर व्हाट अनस्टेबल स्टेबल ठीक है व्हाइल व्हाइल ट्राइहैलाइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 आर व्हाट स्टेबल राइट PCl3 बाद में PBr3 PI3 या फिर SS आर्सेनिक HCl3 प्लस कोई भी ट्राइहैलाइड लो बाकी एलिमेंट का उनका सबका ट्राइहैलाइड कैसा है स्टेबल है नाइट्रोजन के सब ट्राइहैलाइड्स अनस्टेबल है एक छोड़ के कौन सा NF3 ये याद रहेगा एमसीक्यू क्वेश्चन इसके ऊपर पॉसिबल है ओके प्लस ये हो गया बाद में 6 प्लस अभी मुझे तो हाइड्राइड बताओ नाइट्रोजन का हाइड्राइड अमोनिया अमोनिया राइट तो हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन NH3 राइट इज स्टेबल प्लस ये अभी हाइड्राइड हम लोग एक्चुअली हाइड्राइड ही पहले करना चाहिए था ठीक है ना हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन दैट इज NH3 इज स्टेबल नाइट्रोजन का हाइड्रोजन अमोनिया बहुत स्टेबल है व्हाइल हाइड्राइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 अनस्टेबल नहीं है क्या बोलेंगे आर कंपैरेटिवली क्या Less stable. तो अमोनिया अकेला हाइड्राइड है जो बहुत ज्यादा स्टेबल है पर बाकी हाइड्राइड ग्रुप 15 के क्या होते हैं कंपैरेटिवली लेस स्टेबल राइट ओके लेस स्टेबल प्लस लास्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या नाइट्रोजन ओके क्या आपने आपके पास NCl5 कंपाउंड हो सकता है NCl5 नो PCl5 हो सकता है यस बस NCl5 क्यों नहीं और PCl5 क्यों नाइट्रोजन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं एक्सपेंडेड ऑक्टेट दिखाना हाँ नहीं क्यों नहीं है स्मॉल साइज नहीं प्लस मैं कल एक्सप्लेन कर चुका आपको मैं आंसर सोचो टेक 2 मिनट्स PCl5 कैसे बनेगा सोचो करो रफ वर्क करो PCl5 कैसे बनेगा आंसर बहुत सिंपल आपके पास है टेक योर टाइम नो प्रॉब्लम थोड़ा लेट होगा तो भी चलेगा अब सोचोगे उतना अच्छा है सर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन गेन निकल के पॉजिटिव है इससे कुछ फर्क नेगेटिव है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता एनर्जी नहीं है तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसको नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनाता हम लोग हीट करेंगे मैं आपको एग्जाम हिंट दे रहा हूँ आप PCl5 कैसे बनेगा वो देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे बनेगा सर नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है वेरी गुड बराबर ना नाइट्रोजन को देखो पहले बॉन्ड बनने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो नाइट्रोजन का डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को yes. क्या नहीं कर सकता प्रमोट नहीं कर सकता हायर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड होने के लिए बराबर है यस यस तो तुम्हें NCl5 बनाना है कैसे बनता है NCl ओके
एन सिल्फाइड बना था, एन एच वन एच टू, टू एच टू, टू पी थ्री, राइट? टू डी होता है क्या? नो नहीं होता. तो पी में तीन इलेक्ट्रॉन है, एस में दो है, राइट? तो थ्री एन पे इलेक्ट्रॉन कैन फॉर्म ओनली थ्री बॉन्ड, बराबर ना? पर उसके अगर फॉस्फरस होता 3s2 3p3, तो हम लोग क्या करते हैं, 3d भी होता, राइट? उसमें 3d0 होता, बराबर? यस यस. हम लोग क्या करते हैं, s का इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, d में प्रमोट करते हैं, प्रमोट करते हैं. और प्रमोट करते क्या होता, हमारे पास अभी कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 5 5. अभी बनता पांच बॉन्ड फॉस्फरस के केस में. यस यस. नाइट्रोजन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में क्या, व्हाई नाइट्रोजन कांट फॉर्म पेंटाहैलाइड्स? शायद ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड में आया था, इस साल मतलब मालूम है आपको, एग्जाम हुआ था बीच में भी, रिपीटेड लोगों का. यस. तो क्या लिखेंगे हम लोग, नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड्स बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, व्हाइल अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 कैन फॉर्म पेंटाहैलाइड. ओके, लिखो यहाँ पे. स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से, अगर चाहिए आपको तो. हो गया तो मुझे बोल दो, हम आगे बढ़ेंगे. क्लास नेक्स्ट एलिमेंट है देखेंगे एनामलस बिहेवियर के लिए, कौन सा? ग्रुप 16 में. क्लास ग्रुप 16 में कौन दिखाएगा एनामलस बिहेवियर? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन. क्लास रीजन बताओ, सबका रीजन एक ही है, सबसे छोटा ऑक्सीजन है, नेगेटिविटी हाईएस्ट है, और उसके भी वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं है, ऑर्बिटल नहीं है. सो बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस थिंग्स व्हाट हैपेंस, ऑक्सीजन शोस एनामलस बिहेवियर, एनामलस बिहेवियर. ना बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे तो रिपीट हो जाएंगे आपके, जो नाइट्रोजन के साथ थे ऑक्सीजन के साथ, फिर भी देख लेते हैं. ऑक्सीजन का एनामलस बिहेवियर में आप देखोगे, सबसे पहले ऑक्सीजन इज गैस, राइट? व्हाइल ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर सॉलिड. अकेला ऑक्सीजन गैस, देखो सल्फर, सेलेनियम, टेलियम, पोलियम, सबके सब क्या है, मैं इसको मिटा देता, चलेगा ना? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं. एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, तो एट रूम टेम्परेचर ऑक्सीजन इज गैस, बराबर? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, बराबर ना, आर व्हाट? सॉलिड्स, सॉलिड. ओके, प्लस ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज, हाउ राइट फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन? O2. While most of the elements of group 16 exist as, plus can you tell me formula sulfur? We write sulfur as acid. Mostly sulfur को कैसे लिखा जाता है? Acid लिखा जाता है. मतलब आपने स्कूल में देखा था सल्फर का स्ट्रक्चर, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, हमें इसको डिराइव भी करना है. एक मिनट, शायद आपने स्कूल में देखा है स्ट्रक्चर ये सल्फर का, क्राउन शेप बोलते हैं. सल्फर 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 सल्फर, कभी देखा है? नहीं, कभी भी नहीं. ये सब एक ही मॉलिक्यूल है जिसमें कितने एटम्स है, बताओ मुझे, काउंट करो.
8 है. तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर. क्राउन शेप बोलते हैं. क्राउन क्यों आपको लग रहा है? क्राउन जैसा लग रहा है अभी आपको ये? यस. तो क्राउन शेप. ओके देखेंगे वो, ये भी अपने सिलेबस में है, क्राउन शेप ऑफ सल्फर. तो जो भी है, तो क्लास सल्फर कैसे एग्जिस्ट होता है? 8 ना. तो क्लास तो अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एग्जिस्ट एज, हम लोग लिखेंगे पॉली एटॉमिक. क्या लिखेंगे? पॉली. तो बहुत सारा होता तो हम लोग पॉली लिख रहे हैं, पॉली एटॉमिक. एग्जांपल बोलो. बराबर. प्लस ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन. बराबर ना. ऑक्सीजन इज ओनली एलिमेंट विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ग्रुप 16. बराबर ना. जैसे तीन इलेमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रहते हैं, कौन से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. ग्रुप 16 में कौन है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन है तो ग्रुप 16 में अकेला ऑक्सीजन है जो क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. राइट. विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इट्स विद इन इट्स हाइड्राइड. तो क्लास एग्जाम्पल, व्हाट इज ऑक्सीजन, व्हाट इज हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन? वाटर. टू. बराबर. तो अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 कैन नॉट फॉर्म, बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बराबर. एनी डाउट? बोलो. तो क्लास इन इट्स हाइड्राइड, और क्लास हाइड्रोजन बॉन्डिंग किधर और होता है? ऑक्सीजन का वाटर में हो गया. राइट. और कोई एग्जांपल बताओ मुझे जहां पे ऑक्साइड. नहीं नहीं सिंपल है. और कब कंपाउंड अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है? Yes. होता है ना. और बताओ कोई एग्जाम. कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है? होता है. तो जहां पे भी आपको OH बॉन्ड मिलेगा वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं, बोलो? Yes. तो बहुत सारे कंपाउंड में, तो ऑक्सीजन के तो दुनिया भर के आपको माने अपने कंपाउंड अपने चैप्टर से कंपाउंड करने नहीं ऑक्सीजन ऐसा चैप्टर था आपको. तो कितना कैटेगरी है ऑक्सीजन वाले कंपाउंड का? अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, अनहाइड्राइड. तो सब में जहां पे भी आपको OH बॉन्ड दिखेगा उन सब कंपाउंड में ऑक्सीजन क्या दिखाएगा, क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये क्लियर है या डाउट है? कुछ बोलो. प्लस ऑक्सीजन इज टेंडेंसी टू फॉर्म. प्लस ऑक्सीजन सबसे छोटा आइटम है ग्रुप 16 में. यस. तो ऑक्सीजन इज टेंडेंसी टू फॉर्म व्हिच बॉन्ड? पाई पी पाई. पी पाई पी पाई. प्लस बाकी एलिमेंट्स पी पाई पी पाई बॉन्ड दिखा सकते हैं? नो. नो. ओके. तो प्लस इंस्टेड ऑफ दे ट्राई टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड थ्रू पी पाई पी पाई, या फिर वो मल्टीपल बनाना ही नहीं चाहते, वो क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड. मतलब सल्फर है, कभी सल्फर ऑक्टाटॉमिक था, कितने बॉन्ड बनाए उसने? 8 सिंगल बॉन्ड बनाए. बराबर. देखा हम लोगों ने. तो या तो पी पाई डी पाई, या तो सीधा सिंगल बॉन्ड बनाते, मल्टीपल बॉन्ड बनाते नहीं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, मोस्टली अदर एलिमेंट्स. ठीक है, यहाँ तक ठीक है? क्लास बोलो, नहीं तो नहीं. बिंदास बोलो. यस यस. वे सब नहीं करता मैं. प्लस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट. ऑक्सीजन का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मालूम है किसी को? ऑक्सीजन कैसा मैग्नेट है? पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक है. प्लस उसका पैरामैग्नेटिक नेचर एक ही थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, कौन से? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. याद है लास्ट ईयर सीखा था MOT? MOT ऐसा अकेला थ्योरी है जो आपको प्रूव करके देगा क्या ऑक्सीजन क्या है. ऑक्सीजन इन ग्रुप 15 ऑक्सीजन इज द ओनली एलिमेंट पैरामैग्नेटिक. राइट. A very very important topic point for MCQs. Oxygen is paramagnetic. और ये आपके बुक में भी है, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में. ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ओके. कैन बी एक्सप्लेन ओनली ऑन, बोलो? MOT. विद द हेल्प ऑफ
एमओटी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऐसा कुछ थ्योरी आपने सीखा था इलेवन में? यस यस। यहाँ पे अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर डायमैग्नेटिक, ओके। बाकी सब एलिमेंट कैसे है? डायमैग्नेटिक। इज इट क्लियर? यस। प्लस नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा ध्यान देके करो, प्लस आपको फजान्स रूल याद है थोड़ा बहुत? फजान्स रूल इस चैप्टर में तो आपका दिमाग खराब करेगा। फजान्स रूल थोड़ा बहुत याद है? फजान्स रूल अपने अगर चैप्टर सीखा रहेगा लास्ट ईयर नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तो अपने फजान्स रूल बहुत डिटेल में सीखा रहेगा। यस। फजान्स रूल क्या है? फजान्स रूल परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने के लिए यूज करते हैं। उल्टा बोला, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फजान्स रूल। ओके, आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो क्लास उसके लिए बहुत सारे रूल्स है। अभी वो रूल्स मैं आपको नहीं सिखा था बेटा, मैं आपको फजान्स रूल चाहे तो बाद में एक अलग से टॉपिक ले लेता हूँ। प्लस देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चलो आगे हम लोग कटाइन की बात करते हैं। तो एन ए आपको रूल्स बताया जाता फटाफट। प्लस ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है, राइट? कौन है? एला प्लस, एन ए प्लस, के प्लस, सबका ऑक्सीजन स्टेट प्लस वन है, सी एस प्लस। अभी ये सब कंपाउंड अगर क्या बनाएंगे, कोवेलेंट अगर आयनिक बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ? क्लोरीन के साथ। एल आई सी एल लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक सी एल गेन करेगा। एन ए सी एल, के सी एल, आर बी सी एल एंड सी एस सी एल। तो प्लस इनमें सब में अनायन तो कॉमन है, बराबर है? यस। तो जो कटायन सबसे बड़ा होता है उसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। क्या बोला मैंने? जो कटायन सबसे बड़ा होता है उसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। तो प्लस इन सब कटायन में सबसे बड़ा कटायन कौन सा है? सी एस। प्लस सी सी एम क्लोराइड विल बी द मोस्ट आयनिक, राइट? एंड एल आई सी एल विल बी द लीस्ट आयोनिक। उल्टा बोलेंगे तो सी एस सी एल में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होंगे और एल आई सी एल में कोवेलेंट कैरेक्टर, देखो सबके सब आयनिक बॉन्ड है, तो उस आयनिक बॉन्ड में सी एस सी एल में कोवेलेंट कैरेक्टर मिनिमम और एल आई सी एल में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। कोवेलेंट कैरेक्टर एल आई सी एल में सबसे ज्यादा, सी एस सी एल में सबसे कम। आयनिक कैरेक्टर एल आई सी एल में सबसे कम, सी एस सी एल में सबसे ज्यादा। क्लास को तो एक ही चीज याद रखो, या तो आयनिक या तो कोवेलेंट। आयनिक याद रखो, कोवेलेंट अपने उल्टा उसका समझ में आएगा, राइट? Yes. बिगर कटान, जितना कटान बड़ा उतना उसके अंदर क्या ज्यादा आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो क्लास बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे एमसीक्यूज में। तो मुझे तो ये जितने कंपाउंड लिखे मैंने पांच, उसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? एल आई सी एल का या सी एस सी एल का मेल्टिंग पॉइंट? चलो दूसरा क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है, एल आई सी एल या सी एस सी एल? एल आई सी एल नहीं बच्चे, लोग सी एस सी एल। रीजन बताता हूँ मैं, आयनिक बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड। बस देखो वापस बोल रहा हूँ, ये सब एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पर ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह पे मिलेंगे एमसीक्यूज में। तो सी एस सी एल इज, डू यू एग्री दैट सी एस सी एल सबसे ज्यादा आयनिक है? अगर सबसे ज्यादा आयनिक सी एस सी एल है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट रहेगा, बिकॉज याद रखो जितना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा उतना मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? वहां पे आपने सीखा रहेगा एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, तो उसमें सीखा रहेगा कि NaCl, KCl, RbCl, CsCl ये वाटर में सोल्युबल है, पर LiCl पानी में सोल्युबल नहीं है। क्यों? बिकॉज उसके अंदर क्या है? बहुत सारा कोवेलेंट कैरेक्टर है, पर CsCl क्या है? बहुत आयनिक है, तो वो वाटर में बहुत इजीली सोल्युबल है। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। सुन लिया तो भी आप देखो, अभी इतना सुन लिया है तो अभी अगर क्वेश्चन आता है तो आप ट्राई कर सकते हो, बराबर?
वही इम्पोर्टेंट है चैप्टर में, ठीक से सुन लो वो, बस फिर वो उसका कर सकते हो आप। क्लास विच इज मोस्ट सोल्युबल इन वाटर, LiCl या CaCl? CaCl। क्लास ये क्या हो गया, कटाइन का साइज राइट। क्लास दूसरा रूल बोलता है कटाइन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतना वो आयनिक ज्यादा होगा राइट। क्या बोला मैंने, कटाइन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतना ज्यादा आयनिक होगा। एक बार वापस बोलो, क्या बोला मैंने, कटाइन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो क्लास मेरे पास तीन कटाइन, Na+, Mg2+, प्रॉब्लम है Mg2+ L3+। क्लास तीनों भी कटान ने क्या बनाया, कंपाउंड के साथ, समझो क्लोन के साथ, कौन सा बनाया, NaCl। क्लास देखो अगर कोई कैरेक्टर सीखना है तो आपको दूसरा आयन क्या रखना पड़ेगा, कॉमन रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉपर्टी सीख नहीं पाएंगे राइट। तीनों का तीनों में अनायन सेम है, अभी कटान NaCl, MgCl, AlCl3। प्लस इसमें सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका है, सबसे ज्यादा NaCl, NaCl का। क्या बोलता है रूल, जितना पॉजिटिव चार्ज कटान के ऊपर कम उतना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा ज्यादा। Na के ऊपर प्लस वन चार्ज है और Al के ऊपर प्लस थ्री चार्ज है, तो डेफिनेटली Na का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा Al से, समझा सब लोग को। यस अनायन के रूल उल्टे है, जितना अनायन बढ़ा उतना, जितना अनायन बढ़ा उतना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। देखो कटान का क्या था, मैं लिखता हूं आयनिक कैरेक्टर, ओके, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ कटान, बराबर है। बाद में आयनिक कैरेक्टर बोलो डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन चार्ज ऑन कटान, बराबर। आपको फजान सूत्र ऑलमोस्ट सिखा दिया मैंने, ओके। क्लास अभी अनायन की बात करते हैं, तो आयनिक कैरेक्टर अभी डिक्रीज चार्ज ऑन कटान आएगा ना, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग, हां बराबर लिखा है ना हमने, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग चार्ज ऑन कटान, कटान का चार्ज बढ़ता है तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है कम होता है, ये तो Na+ और Al+ में ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका है, Na+ का Al+ ज्यादा आयनिक कौन है, NaCl या AlCl3? NaCl, NaCl। तो देखो जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है वैसे आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है ना, मैंने डिक्रीजेस लिखा है, उसका उल्टा लिखो क्या, आयनिक कैरेक्टर ऐसे लिखता हूँ, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग चार्ज, ऐसा भी चाहिए तुम्हें लोगों को। यस, तो जितना कटन का चार्ज कम होगा उतना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। अभी भी डाउट है? नहीं सर समझा। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस with increase in with sorry any character increases with decrease in size of anion, any character increases with decrease in size of anion। The class mai question puchta aapko, agar mere paas compound hai NaF NaCl Na Br और Ni, क्लास सब में कटान कौन है, Na+ राइट, Na+। क्लास इसमें सबसे ज्यादा आयनिक कौन है, NaF, NaF। रीजन सबसे छोटा है ना Na, छोटा है बराबर। यस, तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन साइज ऑफ Anion। बाद में आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस with decrease in magnitude of charge on anion, right? So, इसका मतलब बता दो मैं, प्लस मेरे पास है NaCl, वो जाना नहीं है Cl माइनस, मेरे पास है
Na2SO4, what is anionic here? Fo2-. Minus. मेरे पास है Na3PO4, what is anionic here? Phosphate, PO4, 3-, बराबर है? तो मुझे बताओ इन तीनों कंपाउंड में सबसे ज्यादा आयनिक कौन है? NaCl, NaCl. NaCl. क्या बोलता है रूल? कि इसके ऊपर मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है. मैग्नीट्यूड बोल रहा है, इसका कितना है? 2 है. इसका कितना है? 3 है. आई डोंट से प्लस माइनस. मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 2, मैग्नीट्यूड 3. तो जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम अनायन के ऊपर उतना उसका आयनिक कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा. बराबर है? यस. ओके, तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट व्हिच रूल? फजान्स रूल. फजान्स रूल ये पूरा है. आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फजान्स रूल का पूरा यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ है. तो दिस इज मोस्ट आयनिक, राइट? Mi, most ionic. यहाँ पे most ionic. यहाँ पे most ionic, right? और यहाँ पे most ionic. Is it clear? NF most ionic ना? Sir, NF रहेगा most ionic. उल्टा लिखा NF. Most ionic. Okay? एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. मुझे आपको ये सब बताना इसलिए था यहाँ पे क्योंकि 6 पॉइंट मुझे लिखना ऑक्सीजन का एनामलस बिहेवियर का. बड़े आगे? यस यस. क्लास मुझे बताओ ग्रुप 16 में अनायन बनेंगे. देखो मैं 6 पॉइंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ. ये 0.6 नहीं है. ये क्या आंसर आपका? ये आपका फजान्स रूल हो गया, राइट? ओके, प्लस अगर मुझे 6 पॉइंट लिखना है ऑक्सीजन के बारे में, तो प्लस अगर ऑक्सीजन अनायन बनाएगा तो प्लस ग्रुप 16 का सबसे छोटा अनायन किसका होगा? कौन किसका होगा? ग्रुप 16 में सबसे छोटा अनायन किसका होगा? ऑक्सीजन का, सल्फर का या फिर सेलेनियम का? ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन का, राइट? तो अगर ऑक्सीजन का आयन सबसे छोटा होगा तो क्लास अगर ऑक्सीजन का आयन सबसे छोटा है साइज में तो उसके कंपाउंड क्या होंगे मोस्टली? आयनिक. आयनिक, वेरी गुड. समझा? यस. आपको बोलो. यस सर. कंपाउंड ऑक्सीजन आर compounds of oxygen are more ionic, right? Compounds of oxygen are more ionic. Compared to compounds of other elements of banana. ऐसे लिखते हैं 16 प्लस दैट्स इट डन. दिस इज एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन. इतने पॉइंट्स है. आपको शायद एनसीईआरटी के बुक में और भी मिल जाए पर इतने काफी है. मतलब फिलहाल नहीं मिलेंगे मुझे लगता है. सबसे और किया मैंने देख ले ऑक्सीजन. इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको. तो क्लास ये आपका फजान्स, सॉरी ये आपका फजान्स बीच में मैं कुछ आते हैं यहाँ पे. क्लास लास्ट में देखते हम लोग लास्ट वाला एनिमल्स बिहेवियर ऑफ व्हाट? फ्लोरीन. एनिमल्स बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन. क्लास वाला फ्लोरीन भी एनिमल्स बिहेवियर दिखाएगा. यस दिखाएगा. सेम रीजन है. ऑनली साइड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल, राइट? तो क्लास फ्लोरीन शो एनिमल्स बिहेवियर. तो एनिमल्स बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन. तो क्लास सबसे पहला तो पॉइंट है
फ्लोरीन बाकी सब एलिमेंट से क्या है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, राइट? प्लस रीजन बता सकते हो क्यों? एक्चुअली फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, राइट? फ्लोरीन इज मच मोर रिएक्टिव देन अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, राइट? प्लस कोई बताएगा क्यों? सर उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ नहीं, वो तो सबको एक ही चाहिए। क्लोरीन को कितना चाहिए बताओ? एक ही। हाँ, ब्रोमीन को हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उससे क्या होता है? प्लस रीजन देखो, आप जो प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे हो उसके लिए इसका प्रॉपर एक्सप्लेन चाहिए क्यों। प्लस आपको रीजन बताता हूँ मैं आपको। प्लस फ्लोरीन का साइज छोटा है या बहुत छोटा है? देखो कैसा स्टेटमेंट यूज किया मैंने, छोटा है बहुत छोटा है। तो प्लस दिस इज फ्लोरीन, राइट? दिस इज अदर फ्लोरीन। व्हाट डू दे शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, राइट? एंड फॉर्म विच बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? प्लस जितना छोटा एटम होता है उतना कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ये आपका रूल बोलता है, बराबर? स्मॉलर आइटम फॉर्म स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड। तो प्लस फ्लोरीन छोटा है तो उसका कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए, बराबर? तोड़ना ईजी होना चाहिए, डिफिकल्ट होना चाहिए? डिफिकल्ट। थोड़ा यहाँ पे एक थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड छोटा नहीं, बहुत ज्यादा छोटा होगा। इतना छोटा होगा कि दो न्यूक्लियस के आगे एक दूसरे के बहुत पास आ गए, राइट? बराबर? यस। तो प्लस दो न्यूक्लियस एक दूसरे के बहुत पास आएंगे तो बॉन्ड पे क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेन होगा टूटने के लिए, हाँ या ना? न्यूक्लियस क्या करेंगे, ट्रिमेंडसली एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल। तो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग रिपल्शन थोड़ा आपको बाहर से ज्यादा नहीं सप्लाई करना नहीं पड़ेगा, वो अपना आइटम अंदर के झगड़े की वजह से टूटने की कोशिश कर रहा है। आर यू क्लियर? यस। तो क्या होता है, तो क्या रीजन है इसका? सिंपल रीजन है, प्लस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने के लिए क्या करना है आपको, बॉन्ड तोड़ना, राइट? जितना जल्दी कोई बॉन्ड टूटेगा या जितना जल्दी कोई बॉन्ड बनेगा उतना रिएक्शन फास्ट होता है, एग्री? यस। तो फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, बहुत वीक है? बहुत वीक है, राइट? एक्चुअली होना चाहिए था स्ट्रांग, एक्चुअली छोटा आइटम है तो स्ट्रांग बॉन्ड होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, वो इतना सिर्फ छोटा नहीं, वो बहुत ही छोटा है। इतना छोटा कि दो न्यूक्लियस एक दूसरे के इतने पास आते हैं कि उनके बीच में ट्रिमेंडस क्या शुरू होता है, रिपल्शन। रिपल्शन से क्या होता है, बॉन्ड हमेशा क्या होता है, स्ट्रेन में होता है, स्ट्रेस में होता है टूटने की। तो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड तोड़ना इजी है, डिफिकल्ट है? बहुत ज्यादा। आप बोलो बहुत ज्यादा इजी है, डिफिकल्ट है? इजी है, राइट? इजी। उसके साइंटिफिक वर्ड कौन सा है? थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज ड्यू टू साइंटिफिक वर्ड, दिस इज ड्यू टू वेरी लो, नहीं चलो आगे, एफ डैश एफ बॉन्ड डिसोसिएशन, नाम सुना रहेगा? यस। एंथैल्पी। व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर बॉन्ड, वन मोल ऑफ बॉन्ड, वन पर्टिकुलर वन मोल बॉन्ड, ठीक है? तो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको बहुत हाई एनर्जी चाहिए, बहुत लो एनर्जी चाहिए? वेरी लो। लो। तो अगर वेरी लो बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए किसका, फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो प्लस क्या होता है, फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड तोड़ना बहुत ज्यादा इजी होता है और बहुत ज्यादा इजी होता है, तो क्या होता है, वो रिएक्शन में पार्ट बहुत फास्ट लेता है, राइट? यस, नहीं या हाँ? यस सर। ओके, जस्ट मैडम आई विल गिव मी 1 मिनट, आई विल टेल द वैल्यूज, एक मैं वैल्यू चेक करके आपको बताता हूँ। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हैलोजन्स, एक एमसीक्यू हो सकता है। एक मिनट मुझे मिलेगा तो मैं बता, नहीं तो बाद में बताता हूँ, नो प्रॉब्लम। चलो मैं नंबर लिख रहा हूँ, नंबर को हाइट नहीं करने बिल्कुल। फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड एंथैल्पी है 156, मतलब क्या बोलो, एक मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको 156 किलो जूल पर मोल इतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, राइट? यस। प्लस यू नॉट डोंट हैव टू बाहर, मतलब आपको ऑर्डर बाहर करना है। फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड एंथैल्पी है 243, कितना है, 243 किलो जूल पर मोल। ओके, ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड एंथैल्पी,
बस क्या लगता है क्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा क्लास यहाँ पे एक्सेप्शन 193 कम है क्लास क्यों बोलो? रूल क्या होता है छोटे बॉन्ड तोड़ना इजी होता है डिफिकल्ट होता है? डिफिकल्ट होता है ना क्लास। क्लोरीन ब्रोमीन से बड़ा है छोटा है? क्लोरीन ब्रोमीन से बड़ा है छोटा है? छोटा है ना, ज्यादा स्ट्रांग है तो वो तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगा। ब्रोमीन थोड़ा बड़ा है तो आपको ज्यादा एनर्जी ज्यादा लगेगा। तो आप बोलोगे फ्लोरीन भी छोटा है तो उसके साथ अपने ऐसा अन्याय क्यों किया? तो बोलो क्यों अन्याय किया हम लोगों ने? वो छोटा नहीं, वो क्या है? वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इतना छोटा कि क्या होता है न्यूक्लियस रिपल्शन बढ़ा देते, राइट? यस। आई होप ये समझ रहा है या नहीं समझ रहा है आपको, आप बोल दो मुझे। समझा मुझे तो आयोडीन आयोडीन बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा? ब्रोमीन ब्रोमीन से ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? आपको क्या लगता है? कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। 151 किलो जूल पर मोल, ठीक है? तो ये वैल्यूज मुझे शायद थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, मैं एक बार मैं चेक कर रहा हूँ क्लास में। फिर भी ये थोड़ा मुझे रॉन्ग लग रहा है, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। क्लास इतना याद रखो कि सबसे ज्यादा एंथैल्पी किसका, सबसे कम एंथैल्पी किसका है हैलोजन्स में? बॉन्ड एंथैल्पी फ्लोरीन फ्लोरीन का। अगर बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम है तो बॉन्ड टूटना बहुत ईजी है, बॉन्ड बहुत जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन में पार्ट बहुत फास्ट लेगा। तो फ्लोरीन द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, सॉरी मोस्ट रिएक्टिव इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है? क्लास दूसरा पॉइंट सबको मालूम है कॉमन, फ्लोरीन कैन फॉर्म इन इट्स हाइड्राइड व्हिच बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, ठीक है? तो हम लोग लिखते हैं, ये कॉपी मारते हैं, चलो। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन इज द एलिमेंट इन ग्रुप 17, बराबर है, विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्लियर है आपको? चलिए इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा हम लोग को। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्या बोलो? फ्लोरीन, राइट? यस। इज ओनली एलिमेंट विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इट्स हाइड्राइड। एग्जाम्पल कौन सा इसका? HF, right? दूसरा कोई कंपाउंड बनता ही नहीं, बराबर ना? And it's hydride. Fluorine का ऑक्सीजन का तो एक ही है, plus one ही है. It was small size and high negativity. Fluorine is the only compound that can hydride in the element. Other elements do not form, बराबर ना? Plus बोलो. Other elements of group 17. Hydrogen bonding नहीं होता. Hydrogen bonding. Other elements of group 17. Do not show hydrogen bonding, not form hydrogen bonding. In their hydrides, okay? Okay. प्लस अभी मुझे तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कंपाउंड बनेगा कौन सा? HF, बराबर ना? कौन सा कंपाउंड बनेगा? HF, HF फ्लोराइड। प्लस HF का बिहेवियर कैसा होगा? प्लस अभी बताओ हाइड्रोजन, मुझे ग्रुप 17 का हाइड्रोजन बताओ। HF, HCl, H, Br एंड H, I। प्लस इन सब हाइड्रोजन में HF ऐसा अकेला हाइड्रोजन है जो क्या है? लिक्विड। ये बाकी सब क्या है बोलो? एट रूम टेम्परेचर गैसेस, गैसेस है, बराबर है? Yes. हम लिखे हैं behavior of HF. So, HF is क्या? HF is liquid in at room temperature. Is liquid at room temperature, right? Class similarly, बाकी जो oxygen के साथ H2O वगैरह वो अकेला H2O gas है, liquid है, ठीक है? HF is HF is liquid at room temperature. और यहाँ पे क्या लिखेंगे? While other halogen as while other hydrides gases at room temperature of while other hydrides अच्छा ठीक है और gases बराबर ना? Yes. At room temperature. Okay. फ्लोरीन के कंपाउंड कैसे होंगे? मोस्टली आयनिक या कोवेलेंट?
कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन विल बी आयनिक और कोवेलेंट. मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन विल बी आयनिक और कोवेलेंट. आयनिक. आयनिक प्लस बिकॉज़ फ्लोराइड सबसे छोटा आयन है राइट सब में. यस यस कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन विल बी मोस्टली आयनिक राइट. प्लस अभी एक चीज और है एचएफ लिक्विड है. प्लस एचएफ बॉन्ड टूटना सबसे इजी है डिफिकल्ट है. मेरे पास बॉन्ड है एचएफ डिफिकल्ट है नहीं. प्लस फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड टूटना बहुत डिफिकल्ट है पर एचएफ बॉन्ड टूटना सबसे ज्यादा. प्लस आपने सीखा रहेगा एचडीएम है स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड सबसे वीक है. वीक है यस. स्ट्रांग एचसीएल से स्ट्रांग एचएल एचबीआर एच है प्लस क्योंकि एच और एफ बॉन्ड टूटना डिफिकल्ट होता है. प्लस मैं एफ एफ बॉन्ड नहीं बोल रहा अभी कौन सा बोल रहा मैं एच एफ बॉन्ड. एच एफ बॉन्ड टूटना क्या होता है बोलो इजी मुश्किल होता है. तो सीएल बॉन्ड टूटना उससे ज्यादा मुश्किल है. एच आई एच बी आर उससे भी ज्यादा. एच आई सबसे इजी. प्लस सबसे इजी कौन सा बॉन्ड टूटने के लिए यहाँ पे एच आई है और सबसे डिफिकल्ट कौन सा है एच एफ है. तो प्लस एच एफ विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड. Plus, what is acid? Acid gives you which ions? H plus ion. HF अगर बहुत strong bond है, weak acid है. तो आपको H plus बहुत easily देगा, भी difficulty देगा. Difficulty. और HI का bond बहुत weak है, तो H plus and I minus में बहुत easily मिलेंगे मुझे. Yes. Yes. Acid and this is strong acid. तो plus HF जो hydride, it is liquid at room temperature. बराबर है? And HF is a weak acid, while other halogen acids are strong acid, right? HF is समझा क्यों? Yes. Weak acid, while halogen acids बराबर ना? Other halogen acids are strong acids. अगर उसमें भी आपको order चाहिए तो मालूम है ना HF से HI तक acidity बढ़ता जाता है बराबर है. हाँ. Due to okay. Fluorine has highest बोलो. कौन सा character? Ionic character right? It needs an ion बराबर. Yes. Fluorine has highest ionic character. Agree? या फिर फ्लोरीन से अच्छा फ्लोराइड. क्लास फ्लोराइड मतलब क्यों? क्यों फ्लोराइड बोलो? उसका अनायन क्या होता है? What is anion? This anion is called as what? Fluoride. The fluorides ion has highest कौन सा? Ionic character. करेक्टर क्लब भी हाईएस्ट लिखा तो बाकी लोग का उनसे कम होगा बराबर. लिखने की जरूरत नहीं है बराबर ना. यस. हां तो मैं तो फ्लोरीन का ऑक्सीजन सेट कौन सा था हमने लास्ट लेक्चर में किया था. ऑक्सीजन सेट ऑफ फ्लोरीन फ्लोरीन शो ओनली -1 एक ही ऑक्सीजन राइट ओनली -1 ऑक्सीजन सेट राइट. व्हाइल एलिमेंट्स ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 बराबर शोज +1 एनीबॉडी +3 +5 +7 स्टेट्स बराबर ना. लॉन्ग विद -1 के साथ वो +1 +3 +5 +1 स्टेट भी दिखाते हैं आगे. याद है आपको ये? यस. ओके प्लस अभी लास्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तब मैं तो ये मैं आयन लिख रहा हूँ ये आपको दिखेगा बहुत बार I3-. तो ये आयन है इसमें कौन सा हैलोजन है? आयोडीन. तो क्लास इसका नाम है ट्राई आयोडाइड. कौन सा नाम है इसका? ट्राई आयोडाइड. इसका नाम क्या है? पेंटा ब्रोमाइड. क्या नाम है? पेंटा ब्रोमाइड. तो क्लास ऐसे मुझे बताओ F3- आयन हो सकता है नहीं हो सकता? F3 आयन हो सकता है नहीं हो सकता? F3 आयन
नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, राइट? ऑर्बिटल फ्लोरीन का डी ऑर्बिटल नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता फ्लोरीन, बराबर ना? यस, अगर एफ थ्री बोला तो आपको ऐसा बॉन्ड बनाना पड़ेगा, बराबर ना? पॉसिबल है क्या फ्लोरीन को एक से ज्यादा बॉन्ड बनाना? नो, नहीं पॉसिबल है. तो क्लास बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ बोलो ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d orbitals in valence shell okay fluorine cannot form poly halide ion, right? Fluorine poly halide nahi bana sakta, barabar hai? While other halogens can form, bolo, polyhalide ion. Polyhalide example, Cl3 minus हो सकता है, हो सकता है. Br3 minus हो सकता है. बाकी सबका हो सकता है. I3 minus हो सकता है. Yes. All are possible. बाकी सिर्फ फ्लोरीन के साथ नहीं है. तो other halogens cannot form poly halide ions. तो क्लास ये हो गया आपका एनालिसिस बेयर ऑफ फ्लोरीन. इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो. Done. मैं एक मिनट yes. एक मिनट के लिए स्क्रीन शेयर रोक रहा हूँ, मैं टेक्सटबुक ओपन करता हूँ आपका, तब तक एक मिनट. स्क्रीन शेयर होगा आपके साथ? यस. एक मिनट, लेट मी चेक. किसी का मेरा तो अप हो जाता था. एनोमलस बिहेवियर मिला आपको? बस नाइट्रोजन नहीं दिया गया. क्यों नहीं दिया गया आपको मालूम है ना? ग्रुप 15 नहीं है में आता है. हाँ तो देखो सब पॉइंट पढ़ो. अरे मैं गलती क्या करना है, एसाइड को कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ग्रुप 15 का नहीं है, बराबर है? सर नोटपैड दिख रहा है, टेक्स्ट बुक का पीडीएफ नहीं. टेक्स्ट बुक क्या नहीं दिख, मतलब दिख नहीं रहा आपको? हाँ सॉरी, स्टॉप, रिज्यूम शेयर. सॉरी अभी दिख रहा है? यस यस. एक मिनट देखो. अभी पहला एनिमल्स बेयर ऑफ ऑक्सीजन, अपना यहाँ पे सल्फर नहीं है, यहाँ पे गलती है क्लास, बहुत मिस्टेक से टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग में. ठीक है, ऑक्सीजन डायटोमिक ये बराबर ना, हमने लिखा था ऑक्सीजन डायटोमिक, अदर एलिमेंट्स आर पॉलीएटॉमिक. तो यहाँ पे ये P4 नहीं लिखना चाहिए, P4 ग्रुप 16 का है, वो कहाँ पे है? ग्रुप 15 का है. हम ग्रुप 16 का 16 की बात करो, बराबर? यस. ऑक्सीजन इज paramagnetic while others are diamagnetic. ठीक है? Yes. ऑक्सीजन से यहाँ पे हम लोग का मिस हो गया. आप देख लो कौन सा आंसर होता है ऑक्सीजन का, -2 +2 and -1, right? Yes. ऑक्सीजन का स्टेट प्लस, बाकी सब एलिमेंट कोई -1 स्टेट दिखा था नहीं. ऑक्सीजन -1 मतलब किसमें? पेरोक्साइड में. पेरोक्साइड. तो ऑक्सीजन का एलिमेंट जो -1 स्टेट दिखा था, बाकी सब एलिमेंट का कॉमन स्टेट कौन सा है? -2 +2 +4 and +6. ठीक है, ऑक्सीजन हायर स्टेट नहीं दिखाएगा, कौन सा? +4 and +6 ड्यू टू व्हाट? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. क्या रॉन्ग लिखा है बोलो? एब्सेंस ऑफ वैकेंट नहीं आएगा, वैकेंट नहीं आएगा, डी ऑर्बिटल. वैकेंट वर्ड मत लिखना क्योंकि है ही नहीं, बराबर है? भरा भी नहीं और है भी नहीं.
ओके क्लास, इसका आंसर कोई बता सकता है? आपने अभी आंसर बताया मुझे, absence of d orbital, absence of vacant sorry d orbital, d orbital, ठीक है बराबर, वेरी गुड। हां क्लास नेचर ऑफ हाइड्राइड्स देखो, अकेला हाइड्राइड कौन सा, वाटर क्या लिक्विड है, बाकी सब हाइड्राइड कैसे है, गैसेस। और पहली बात तो ओनली दैट हाइड्राइड वाटर कैन शो हाइड्रोजन, यहां पे मिसिंग है वो इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या कि वाटर कैन ओनली शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अदर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 कैन नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। कॉमन कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 2, अदर रेयर केस इज 4, बट फॉर अदर एलिमेंट्स कोवेलेंसी कैन एक्सीड 4, क्या इसका मतलब बताओ आपको मैं, व्हाट इज कोवेलेंसी, वो कितना, प्लस ऑक्सीजन कितने बार बना सकता है बताओ मुझे, 2। और क्लास के उसके पास क्या बोलो, तो क्लास उनका यूज करके भी वो कौन सा बॉन्ड बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, एवरीवन यस यस। टोटल मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4, ठीक है क्लास, 4 तो इम्पॉसिबल है क्लास, 2 अगर किसी आइटम के 2 लोन पे होता है उसमें से कितना यूटिलाइज कर सकता है, वो सिर्फ मैक्सिमम 1 यूज कर सकता है क्लास, 4 तो ये दूसरा लोन पे यूज करना तो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तो ऑक्सीजन ये 2 नॉर्मल बॉन्ड बनेगा और एक बॉन्ड समझो मेरे पास, समझो यहाँ पे कोई मेटल है, सेंट्रल मेटल आयन से फॉर एग्जांपल Cu+2, याद है आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो ऑक्सीजन अपना क्या करेगा, इट एक्ट एज अ लिगैंड राइट, एंड कैन डोनेट दैट इलेक्ट्रॉन टू मेटल आयन एंड फॉर्म तीसरा बॉन्ड, तो क्लास अभी ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना चुका है बोलो, 3। आर यू क्लियर, यस। ऑक्सीजन मैक्स टू मैक्स मतलब वो चौथा केस तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, तो ऑक्सीजन 3 या मैक्स टू मैक्स 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो उसका कोवेलेंसी कितना है बोलो, मैक्स टू मैक्स 4। अगर आप सल्फर की बात करते हो, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर राइट, प्लस आपको बोले सल्फर हेक्साफ्लोराइड, यस, प्लस कितने बॉन्ड बना सल्फर ने यहाँ पे, 6 प्लस, क्योंकि सल्फर क्या कर सकता है, ऑक्टेट को एक्सपांड कर सकता है, यस, तो समझा ये पॉइंट वाला आपको, कैन ग्रुप 16 द कोवेलेंसी कैन बी एक्सटेंडेड 4, 4 से ज्यादा हो सकता है, मतलब कितना हो सकता है, 6 तक हो सकता है राइट। हां क्लास अब ये लास्ट में क्या फालतू, ये सबसे एक्चुअली पहले होना चाहिए राइट, इज ड्यू टू किच क्या रीजन है, स्मॉल साइज, हाई नेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, का इनर भी नहीं, सिर्फ डी ऑर्बिटल लिखो, इनर भी नहीं है, इनर भी नहीं, आउटर भी नहीं उसके पास, बराबर ना। हां क्लास देखो, फ्लोरीन देखो, पहला पॉइंट तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है, यहाँ पे बहुत सारे अलग पॉइंट है, आप वो पॉइंट पढ़ लो, मैंने आपको बताया वो भी पॉइंट्स है, आयरन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो पोटेंशियल, का इलेक्ट्रो पोटेंशियल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिखा रहेगा, एसआरपी सुना, एसआरपी यस, सब हाई है किसका, फ्लोरीन का, देन अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, दूसरे हैलोजन से कंपेयर करोगे तो उसका नेगेटिविटी, आयरन एंथैल्पी, एसआरपी, आपको मालूम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे टॉप में फ्लोरीन है, यस, एसआरपी के वैल्यू में 4 पॉइंट समथिंग उसका, 3 पॉइंट समथिंग उसका एसआरपी का है, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे भाग नहीं है पर सबसे हाईएस्ट, दूसरा आयनिक एंड कोवेलेंट रेडी एमपी बीपी एंड अदर आर क्वाइट लोअर, क्लियर, यस, इसके वजह से एक्सप्लेन कर सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक्सप्लेन कर सकते हो, इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी, ठीक है, और एक्सोथर्मिक, ये भी थर्ड पॉइंट देख लो, फ्लोरीन का मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कैसा था, एक्सोथर्मिक, ऑक्सी एसिड, ये पॉइंट नंबर 5, ये आप लोग ऑक्सी एसिड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं, ऑक्सी एसिड्स क्या होता है, ठीक है, तो ये पॉइंट अभी फिलहाल नहीं। हाँ क्लास, HF इज लिक्विड बराबर ना, व्हाइल अदर आर गैसेस, ये पॉइंट अपना हो चुका था, एनी डाउट हियर, नो, ओके, तो क्लास ये हो गया एनोमलस बिहेवियर, तो क्लास अभी फटाक से हम लोग एक छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं, दैट इज हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 69 17, अगर आज हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगर आप साइमल्टेनियसली एमसीक्यू का बुकलेट ओपन करके देखते हो, तो क्लास हम लोग कहेंगे हाइड्राइड्स,
तो हम लोग चैप्टर को कैसे ना कंपैरिजन में सीखेंगे तो ज्यादा इजी होगा, राइट। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 प्लस 18, 11 के ग्रुप तो नॉर्मल कंडीशन में कंपाउंड नहीं बनाते, राइट। तो उनके हाइड्राइड नहीं पाते, हाइड्रोजन गैस तो कोई कंपाउंड नहीं बनता किसी भी नोबल गैस का, तो फॉरगेट। तो हाइड्राइड, हाइड्राइड इज अ बाइनरी कंपाउंड विद हाइड्रोजन। कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ अगर कंपाउंड बनाता तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज हाइड्राइड। हाइड्राइड प्लस ग्रुप 15, नया फोन आने से सब बिगड़े, बराबर है। प्लस व्हाट इज बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट इज ग्रुप बैलेंस ऑफ ग्रुप 15, कॉमन सबसे कॉमन ग्रुप बैलेंस कौन सा है, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7, 2.5, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, कितने कम पड़ रहे बताओ मुझे, 3। तो प्लस वैलेंस ऑफ ग्रुप 15 इज 3, राइट। तो क्लास हाइड्राइड कौन सा बनेगा, NH3 pH 3, SH3 SbH3 एंड BiH3। आपको ये तो मालूम होना चाहिए सबसे पहले, तो आप हाइड्राइड को कंपेयर ही नहीं कर पाओगे, समझा। यस ओके। क्लास ग्रुप 16, ओ संदीप सेलेना तेरी पोती, याद है। यस ओ संदीप सेलेना तेरी पोती, या फिर आपको जो अच्छा शॉर्ट लगे आप वो बताओ मुझे, ओ संदीप सेलेना तेरी पोती। क्लास ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना है 8, 2.6 शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। ग्रुप वैलेंस ऑफ ग्रुप 16 मतलब सबसे कॉमन वैलेंस कौन सा है, 2 + 2 H2S H2SE H2TE एंड H2PO, दिस आर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। ओके 17, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई 8। हम लोग एसएन को स्टडी नहीं करते, क्लास क्यों नहीं करते बताओ मुझे, Why we don't study acetylcysteine? Acetylcysteine radioactive है और highly unstable है. Plus वो acetylcysteine radioactive होने के वजह से any radioactive element keeps on changing in other element. आपको मालूम है ना? Yes. आप लोग polonium को क्यों करते हैं? वो भी कर सकते हैं. तो plus acetylcysteine का एक दूसरा बड़ा problem क्या है ना आपको? Radioactivity की वजह से आपको number of atoms कम होते जाते हैं by converting in some other element. तो plus दुनिया में से acetylcysteine ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है नेचर में, एसेसन बाकी नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो जो एलिमेंट आपके पास है ही नहीं उसका प्रॉपर्टी हम लोग क्यों स्टडी करेंगे, बराबर है। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हम लोग आयोडीन तक ही सीखते हैं, एसेसन है ही नहीं दुनिया में। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, प्लस फ्लोरीन 7, 2.7, तो कितना इलेक्ट्रॉन कम बढ़ रहा है, 1 ना, 1। तो HF HCl HBr एंड मुझे नाइट्रोजन के पास क्या बताओ मुझे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका लोन पेयर होता है लेविस बेस, राइट, आर बेसिक। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 आर बेसिक, या फिर सिंपल है, अमोनिया को पानी में डालेंगे तो क्या बनता है बोलो, NH4 + OH, एंड NH4OH ऑन फर्दर डिसोसिएशन गिव्स यू NH4+ एंड OH- मिल गया हमें, मिल गया बेस। यस, सो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 आर बेसिक इन नेचर, राइट। And their basic strength decreases down the group. तुम्हारा से क्वेश्चन है MCQ का, ऑप्शन है NH3, ऑप्शन बी PH3, ऑप्शन 3 SH3, ऑप्शन डी SbH3, which of the following is strongest base? NH3. पहला क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे, तो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर बेसिक इन नेचर एंड देयर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो क्लास आपका अमोनिया कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, सब्सटेंशियली बेसिक, सब्सटेंशियल मतलब समझता है हिंदी में बोलेंगे तो ठीक ठाक बेसिक है, कैसा है, ठीक ठाक। ओके क्लास पीएच थ्री
इज वेरी वीक बेस. ओके एंड क्लास एस एच थ्री एस बी एच थ्री एंड बी एच राइट डू नॉट शो एनी बेसिक कैरेक्टर. ओके बराबर अपने प्रॉपर्टी बराबर जा रहा है डाउन द ग्रुप बेसिक सबसे ज्यादा ठीक ठाक बेसिक है. ठीक है मतलब इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है ठीक बेसिक है या फिर लिखो बेसिक इतना बेसिक सिर्फ बेसिक लिखा तो भी चलेगा. प्लस पर अमोनिया से फॉस्फिन इसका नाम फॉस्फिन है क्या ज्यादा क्या कम बेसिक है बेसिक है और ये तीनों का बेसिक कैरेक्टर तो ना के बराबर नहीं है ऑलमोस्ट डू नॉट शो मतलब अगर उनको बेसिक कैरेक्टर स्टडी करने जाओगे तो कोई बेसिक प्रॉपर्टी दिखाते नहीं डू नॉट शो एनी बेसिक कैरेक्टर. ठीक है यस सर अगर पीएच3 को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा फॉस्फोराइज़ ओके यस हाइड्रोलिसिस होता है. ठीक है तो हाइड्राइड सब ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर बेसिक इन नेचर एंड डाउन द ग्रुप द बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज है. अगर हमको बेसिक स्ट्रेंथ की स्टडी कर बात करनी है तो NH3 बराबर PH3 SH3 SBH3 एंड BH राइट बेसिक स्ट्रेंथ. ओके ये समझा हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 69 17 तो 69 17 दोनों ग्रुप के हाइड्राइड्स क्या है एसिडिक है क्या है बोलो एसिडिक है. चलो मैं पहले लिखता हूँ फिर हम लोग उसको मॉडिफाई करते हैं. पॉइंट नंबर टू हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एंड 16 एलिमेंट्स राइट आर क्या बोलो एसिडिक एंड देयर एसिडिक स्ट्रेंथ सर 15 बेसिक है ना सॉरी 16 एंड 17 सॉरी 17 एंड देयर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ओके बताओ मुझे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं H2S H2SE H2T H2PO चार ऑप्शन दिए व्हिच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड H2PO H2PO ओके HF HCl HBr HI व्हिच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HI ओके लास्ट क्वेश्चन आ सकता है अरेंज फॉलिंग एसिड इन देयर एसिड इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ H2S H2O H2SE H2PO PO SE SO बराबर है ऐसे क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है. आपको इतना मानना चाहिए कि ग्रुप 16 के हाइड्राइड एसिडिक है और डाउन द ग्रुप द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस ग्रुप 17 के हाइड्राइड भी क्या है एसिडिक है एंड डाउन द ग्रुप द एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस राइट. तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे हम लोग ग्रुप अगर 16 की बात करें हम लोग तो H2O बराबर है बरा ना ग्रुप सेवेंटीन तो HF HCl तो हमने एनिमल्स बारे में भी सीखा था ये HBr एंड HI ओके प्लस नेक्स्ट पॉइंट ये समझा आपको. अभी थर्ड पॉइंट अक्रॉस द पीरियड गए तब कैसा है क्या अक्रॉस द पीरियड गए ना नहीं अक्रॉस द पीरियड में कंपेयर नहीं करेंगे ग्रुप 16 को ग्रुप 16 के साथ ही ऐसा आपको क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे क्या कि ग्रुप 15 का ऑक्सी एसिड सॉरी ग्रुप 15 का हाइड्राइड 16 का कंपेयर करो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. उसके लिए आपको क्या चाहिए डेटा चाहिए एक्सपेरिमेंटल डेटा फिर आपको पीके पीके भी वैल्यू सब लगना लगने लगेगा उस केस में. क्लियर है यस सर यस वो उनको पूछना है तो आपको बहुत सारी चीजें एक साथ कंसिडर करनी पड़ेंगी तो आपको नेट इफेक्ट देखना पड़ेगा उस केस में. ऐसे क्वेश्चन में पॉसिबल है पर उसके लिए बहुत सारा डेटा अलग से हमें देना पड़ेगा उनको एग्जाम में. आई होप मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है यस हाँ. क्लास तीसरा
फॉर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप hydrides of elements of group फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवनटीन क्लास अभी तीनों की बात कर रहे हैं फिफ्टीन भी सिक्सटीन भी और सेवनटीन भी डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथाल्पी डिक्रीजेस तो हमें होता है ग्रुप 15 में कौन सा बॉन्ड तोड़ना सबसे ज्यादा इजी है प्लस हम लोग सिर्फ हाइड्राइड की बात कर रहे हैं मेरे पास अगर अमोनिया है और मेरे पास बी आई एच है अमोनिया में कौन सा बॉन्ड है एन डैश एच और बी आई एच में बी डैश बी आई डैश एच कौन सा बॉन्ड तोड़ना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है एनएच एनएच क्यों हमने क्या लिखा है डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस तो बॉन्ड तोड़ना अगर एनर्जी आपको कम सप्लाई करना पड़ रहा है तो बॉन्ड तोड़ना इजी हो जाएगा ना यस डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस फॉर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 बी 16 बी और 17 बी बराबर है तो इफ आई राइट यस डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर तो NH3 बराबर है Yes. क्लास ग्रुप सिंगल क्या करें तो H2O ग्रुप 17 की बात करें तो ओके तो बस अभी हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं पर मैं जाते जाते कोई क्वेश्चन पूछता हूँ वो नेक्स्ट टाइम लिखेंगे या अभी लिख लेते हैं चलो इन सब में बताओ मुझे इफ आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मली मोस्ट स्टेबल पीएच 3 एसएच 3 एसबीएच 3 या बीएच 3 थर्मली मोस्ट स्टेबल पीएच 3 एसएच 3 एसबीएच 3 या बीएच 3 थर्मली ज्यादा स्टेबल कौन है तो व्हाट इज थर्मली स्टेबल मतलब आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो भी वो टूट नहीं रहा That is thermal stability. आपका आंसर PH3, SH3, SBH3, BH3, which is more stable thermally. PH3. PH3. Very good. क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बराबर है Yes. तोड़ना मुश्किल है अगर मुश्किल बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है तो बस वो स्टेबल है अनस्टेबल हो गया स्टेबल है स्टेबल हो गया राइट तो क्लास फॉर हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 16 एंड 17 डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस राइट थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस तो क्लास में आता वाटर H2S H2S एंड H2T में सबसे स्टेबल कौन है कौन सा हाइड्राइड स्टेबल है वाटर वाटर आपने लिखा था एनमलस बिहेवियर में Only water is the most stable hydride. Other hydrides are comparatively less stable. हमने लिखा है था। चाहे तो देख सकते हम लोग। Yes. यहाँ पे क्या ऑक्सीजन था? इधर तो लिखा रहेगा hydrides में। या फिर फ्लोरीन में लिखा था। ठीक है। ठीक है नहीं मिल रहा अभी मुझे स्टेबल समझा तो डाउन द ग्रुप फॉर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 16 17 डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस अगला मुझे तो NH3 PH3 ये क्वेश्चन जेवी का पूछा गया क्वेश्चन NH3 PH3 SBH3 BH3 व्हिच इज मोस्ट स्टेबल NH3 3 मैं क्या लिखूंगा डाउन द ग्रुप फॉर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 11 ऑफ ग्रुप 15 16 एंड 17 डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस राइट तो अगर हम लोग ऑर्डर लेंगे थर्मल स्टेबिलिटी का तो क्लास वापस सेम ऑर्डर आएगा हाँ या ना यस पक्का यस तो दिस ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी
चलो अगला ये हो गया थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ओके तो प्लस बाकी के दो तीन पॉइंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी एच के लिए इतना काफी है। तो प्लस हाइड्राइड्स के बारे में जो लिखा है प्लस इसका भी हम लोग स्क्रीनशॉट नेक्स्ट लेक्चर में, अभी नहीं। तो सब हाइड्राइड एक साथ सब प्रॉपर्टी प्लस, इससे आपको हाइड्राइड के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना, किधर से भी नहीं पढ़ना, ठीक है, जितना हम लोग सीख रहे हैं हाइड्राइड्स। ओके तो रुकते हैं हम लोग, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कंटिन्यू करेंगे हाइड्राइड्स के बारे में, दो तीन पॉइंट और है।